देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उससे ये तो पता चल गया कि जनता ने बीजेपी को तो नकारा है, कांग्रेस को भी नकार दिया है। यानी कि कांग्रेस को भी जनता पसंद नहीं कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असम, केरल, तमिलनाडु, जहां पर ये उम्मीद जताई जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस को अच्छा फायदा मिलेगा, यहां तक कि बंगाल के अंदर भी बहुत बुरी स्थिति कांग्रेस की देखने को मिली। एक समय में जब बंगाल में विधानसभा चुनाव पहले हुए थे उस समय कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी सीटें निकाल चुकी थी, लेकिन इस बार ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई बल्कि ये भी देखने को मिला कि एक बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। और अगर मैं बात करूं तो अगले साल भी बड़े बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहां कहां चुनाव होने वाले हैं मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं। इसके साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये चुनाव में भी देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी का जादू चल पाएगा या नहीं। चले चुनाव की पहले बात कर लेते हैं। तो साल 2022 में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी शामिल है। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो लंबे वक्त तक सत्ता से बाहर रही। पार्टी के पास मजबूत गठबंधन नहीं है। ऐसे में पार्टी को 2017 की तरह एक बार फिर गठबंधन करने की जरूरत पड़ती नजर आ रही है। ये मैंने आपको बताया कि आखिरकार चुनाव कहां कहां है और किस तरह से इस वक्त गठबंधन की बात नजर आ रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्थितियां जिस तरह से हैं ये बात पार्टी आलाकमान जानती हैं। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला किया है। पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का फैसला यह है कि अब दोबारा से यानी कि गठजोड़ किया जाए, राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन किया जाए और गठबंधन करके अब आगे चुनाव की रणनीति बनाई जाए। जिस तरह से 5 राज्यों के जो चुनाव हुए वहां तो कांग्रेस का खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन क्या अगले साल जो 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी रणनीति अपनाई है ताकि चुनाव जीतने के लिए बड़ा काम किया जाए। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए उससे तो ये साफ हो गया कि जनता अगर बीजेपी को पसंद नहीं कर रही तो कांग्रेस के लिए भी कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जनता ने पूरे सिरे से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस के लिए अगले साल के चुनाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर बात करें तो अगले साल कई बड़े चुनाव हैं जिसमें ये देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अभी से स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने में भी नाकाम रही। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल थी पर रुतबा तो दूर पार्टी खाना तक नहीं खोल पाई। ऐसे में इस हार का खामियाजा कांग्रेस को अगले साल होने वाले 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। साल 2022 में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व मणिपुर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल हैं। पंजाब को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता से बाहर है। पार्टी के पास मजबूत संगठन नहीं है। ऐसे में पार्टी को 2017 की तरह एक बार फिर गठबंधन की जरूरत है। यूपी में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि साल 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बावजूद प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का बेहतर नहीं था। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इन चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, कार्यकर्ताओं का हौसला नहीं बढ़ पाया। गुजरात में पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। ज़्यादातर स्थानीय नेता और विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। साल 2017 में युवाओं की जिस तिगड़ी के जरिए कांग्रेस भाजपा को 100 सीटों से कम पर रोकने में सफल रही थी, वहीं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी की तिगड़ी बिखर चुकी है। और समय की अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है
उत्तराखंड में भी कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति साफ नहीं की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत लगातार यह मांग कर रहे हैं कि पार्टी को अपना चेहरा घोषित कर चुनाव तैयारियां शुरू करनी चाहिए। पार्टी के एक नेता के मुताबिक कांग्रेस पूरी तैयारी और रणनीति बनाकर चुनाव लड़े तो उत्तराखंड में भाजपा को शिकस्त देना बहुत ही आसान होगा। इस चुनाव में अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन से पंजाब में स्थितियां बढ़ सकती हैं। देखा जाए तो जिस तरह से पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर स्थितियां फिलहाल ख़राब होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बंट रही है, यानी कि अगले साल भी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का खराब प्रदर्शन रहता है तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही साथ ये भी तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व अब धीरे धीरे डूबता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन अगर अगले साल के चुनावों में भी कांग्रेस बड़ी रणनीति अपनाकर कुछ खास काम नहीं कर पाती है और खास रणनीति अपनाकर बड़े कदम नहीं उठाती है तो इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कमाल कर पाएगी। हालांकि यूपी पंचायत चुनाव के समय देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों से सीट निकाली है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीद अभी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह टूटी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार के समय बड़ी रणनीतियों के साथ काम करती है तो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही साथ पंजाब, हिमाचल और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस अगर रणनीति के साथ काम करेगी तो उससे फायदा मिलेगा। तो देखा आपने, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति अपनाकर चल रही है, लेकिन रणनीतियाँ कहीं विफल साबित ना हो जाए। रणनीतियाँ राहुल और प्रियंका ने भी बनाई जिसका नुकसान उन्हें देखने को मिला। और आखिरकार वजह क्या है कि कांग्रेस को नुकसान हुआ, वजह क्या है राहुल और प्रियंका की मेहनत विफल साबित हुई, अब आप ये समझिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी शुरू से ही साल 2014 के बाद से टूटती नजर आ रही है और मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी फिलहाल पूरी तरह से बिखर चुकी है। पार्टी के अंदर कोई बड़े सीनियर लीडर नहीं है और पार्टी की जो स्थिति है वो देश से छुपी नहीं है, जनता से छुपी नहीं है। और यही वजह रही है कि पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बिखराव हुआ है, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई है, इसका ही नुकसान जो चुनाव हुए उसमें देखने को मिला। क्योंकि जनता भी देख रही है कि चुनाव के समय केवल राहुल और प्रियंका यही दो चेहरे जो भागदौड़ कर रहे थे, जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, इसके अलावा कांग्रेस के कोई बड़े नेता नजर नहीं आए। यानी कि जनता भी समझती है कि वोट किसको देना है और राहुल प्रियंका से केवल पार्टी नहीं चलेगी। अगर कांग्रेस पार्टी में बदलाव नहीं होते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थितियां नहीं बदलती हैं, तो शायद आने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को झटका लगेगा। और राहुल और प्रियंका यही दो चेहरे तो चुनाव नहीं जितवा सकते। पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए एक टीम होती है और उस टीम के अनुसार काम किया जाता है, लेकिन वही टीम आज कांग्रेस पार्टी में अलग थलग पड़ी है। गुलाम नबी आजाद हों, कपिल सिब्बल हों, राज बब्बर हों, या अगर अन्य सीनियर लीडर्स की बात की जाए वो हों, वो पूरी सब पूरी तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं। तो ये बताता है कि पार्टी के अंदर जब तक मजबूती नहीं आएगी, जब तक पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं होगी, तब तक जो है बड़े स्तर पर चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। ऐसे में टीम लीडर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टी के अंदर एकजुटता रहेगी तभी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। अब देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अगर नीतियां बदलती हैं तो क्या इन नीतियों से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और आगे और क्या स्थितियां रहती हैं। फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।